एक बहुत ही दुखदाई खबर सामने आ रही है जिथे इको घर दे विचों इको समय दो अर्थियां उठियां। माँ ते पुत दा इको समय अंतिम संस्कार किया गया। खबर थोनू दस दईए कि जिले नवें शहर के पिंड चहल दी है जिथों का एक नौजवान गुरविंदर नाथ अपने चंगे भविख लई कुछ समा पहला कैनेडा गया सी, पर कैनेडा दे विच कुछ अणपछाते व्यक्तियों वलों गुरविंदर दे उपर हमला कर दिता गया। हमले दौरान जदों गुरविंदर नूं हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया तां इलाज दौरान गुरविंदर दी मौत हो गई। मौत दी खबर जदों पंजाब गुरविंदर दे घर पहुँचती है, गुरविंदर दे परिवार मैंबरां ते उसकी माँ नूं पता लगती है तां गुरविंदर दी माँ इस गल नूं नहीं सह सकी कि उसका पुत्र हमेशा लई उस कोलों दूर हो गया, जिस कारण गुरविंदर की माँ भी अपने सह छड़ जाती है। इस खबर नाल सारे इलाके दे विच सारे पिंड दे विच सोग की लहर फैल जाती है। सारे रिश्तेदारां ते परिवारां दे हो रहे बिलाप नूं देख के कोई भी अजिहा व्यक्ति नहीं बचिया जिस दियां अखां विचों हंझू ना डिगे होण। अज बहुत बड़ा दुख है सामने साढ़े बलाचौर हल्के दे विच हिमाचल के जोड़ा एक हादसा होया। तुसीं लड़का भी 22 साल का कनेडा गया वा सीगा, चंकेत उहदी जिहड़ी हैगी मौत हो गई ते उह बर्दाश्त नहीं, माँ तो बर्दाश्त नहीं होया तां उहना भी जिहड़े हैगी इह मौत हो गई। कदे इह नहीं सुणिया एक घर दे विच्चों अज दो जिहड़ियां अर्थियां चुक रहियां। साडा पूरा इलाका बलाचौर का जिहड़ा हिला के रख दिता। अज तुसीं देखदे जिन्हों का कोई भी लिंक नहीं, रिश्तेदारी नहीं हैगी, अज वो सारे लोग जोड़े है अज आए। यदा एडा बड़ा दुख सदमा है सारे ने पहुँचा है। मैं तो हम ईश्वर अगर प्रार्थना करदा ये परमात्मा जी उन्होंने विछड़िया आत्मा परमात्मा अपने चरणों में निवास दे, पिछे सारे परिवार के रिश्तेदारों भी भाणा मन का बल बख्श।